गुड मॉर्निंग एवरीवन। और भाई क्या हाल चाल हो भाई सारे? कैसे हो? सब मजे में हो? सब एंजॉय कर रहे हो अपनी क्लासेस को खूब मस्ती के साथ में? और कोई नानी दादी के भी गया हुआ है क्या? अरे भाई नानी दादी के भी गया हुआ तो भी कोई बात नहीं है, आप नानी दादी के घर पे ठीक है। गर्मियों की छुट्टियां जो आपकी ये लंबी चल रही हैं इनका मजा लो, लेकिन इनके साथ साथ अपनी क्लासेस मिस नहीं करनी है, अपनी स्टडीज मिस नहीं कर रही है। तो स्टडी कर रहे हो ना सारे के सारे? कर रहे हो कि नहीं कर रहे? हाँ, जो स्टडीज कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं कर रहे हैं ना वो भी जल्दी से जल्दी स्टडीज पे लग जाओ भाई। अपनी स्टडीज को बिल्कुल भी लाइटली मत लो, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि एक बार हाथ से निकली तो फिर निकल ही जाएगी, ये फिर हाथ में वापस नहीं आएगी। तो स्टडीज के साथ ना सब लोग सबके सब जुड़े रहो, ठीक है? तो चलिए फटाफट लाइव जुड़ जाओ सारे के सारे, ठीक है? जो भी लोग क्लास के अंदर है उनका सबका वेलकम है, सबको गुड मॉर्निंग है मेरी। और टेक्निकल टीम ने आई होप कि आपको लिंक भेज दिया होगा, तो फटाफट लिंक पे क्लिक करो और आ जाओ आज की क्लास के अंदर। आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? तो अपनी आपको पता ही है क्लास का जो टॉपिक है वो क्या चल रहा था, पता है ना सभी को? नाइन से लेके ट्वेल्थ तक की, और जो भी मतलब छोटी भी क्लास के अंदर कोई बच्चे हैं तो सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बेसिकली अपने तो टेंथ और इलेवंथ के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए अपनी क्लास चल रही है। तो टॉपिक जो अपना चल रहा था अपनी क्लास के अंदर आपको पता ही क्या चल रहा था, अपने टेंसेस के ऊपर जिक्र कर रहे थे, है ना? इस पे जिक्र चल रहा था, टेंसेस पे जिक्र चल रहा था, ठीक है? और पिछली जो अपनी क्लास थी, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ जो इसके पॉइंट्स थे, कुछ जो कॉन्सेप्ट्स थे उनके ऊपर अपने डिस्कशन किया ही था, और वहां एक क्वेश्चन के ऊपर हम लोगों ने अपनी क्लास को फिनिश किया था, ठीक है? क्या था? मैंने आप लोगों से कहा था कि आप अपने कमेंट बॉक्स जो है उन कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे रिप्लाई देंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस का, ठीक है? मैंने आपसे कहा था कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है उन सभी के अंदर क्या यूज होती है, उन सभी में फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है ना? और आप लोगों को क्या करना था कि एटलीस्ट 3 इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने थे, ठीक है? तो मेरे पास में बहुत सारे रिप्लाईज आए हैं, बहुत सारे बच्चे जो है उन्होंने कमेंट बॉक्स के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो लिखकर बताए हैं। लगभग सभी के सही है, सबके सब बच्चे जो वो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन है, सबको थैंक्स है, बहुत अच्छे से आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, बहुत अच्छे से सीख रहे हो। मैं फटाफट कुछ बच्चों के नाम जो है वो आप लोगों को अनाउंस कर देता हूं। जैसे अनवी है, ओके, बिल्कुल सही है अनवी, आपके सारे ऑप्शन जो आपने मेरे को दिए सारे सेंटेंस सही है। मुस्कान बानो के भी सारे सेंटेंस सही है। नेहल हिसारिया है, काकुल के भी सारे सेंटेंस सही है। हर्षिता, रीवा, नमन, चहल जो है, हरपिंदर, ठीक है, आपके भी सारे सेंटेंस सही है, बिल्कुल हरपिंदर। सचिन भी, बहुत बहुत बढ़िया, बधाई हो सचिन, आपके भी सेंटेंस सही है। यश के भी सेंटेंस सही है। राघव है, राघव आपने मेरे को एक ही सेंटेंस लिख के भेजा है, ठीक है? आपसे मैंने कहा था कि मेरे को एटलीस्ट 3 इंपेरेटिव सेंटेंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको मेरे को बताने हैं, लेकिन आपने एक ही भेजा, चलो कोई बात नहीं है, फिर भी राघव आपका वो एक सेंटेंस बिल्कुल सही है। एंड इवन तान्या, योर सेंटेंसेस आर ऑल्सो राइट। दीपिका, आपके भी सेंटेंसेस सही है, लेकिन आपने एक सेंटेंस जो है वो लिखा है, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस सेंटेंस हियर, आपने लिखा है कैन यू प्लीज हेल्प मी इन दिस टास्क। क्या लिखा आपने सेंटेंस? देखो, कैन यू प्लीज हेल्प मी इन दिस टास्क, ठीक है? तो दीपिका देखो, आपको बता दूं और बाकी भी सभी स्टूडेंट ध्यान देना कि ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, ठीक है? ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है। क्या हो गया ये एक्चुअल में एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है? प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत किसके लिए, देखो, मॉडल हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से हो रही है। तो दिस सेंटेंस इज नॉट एन इंपेरेटिव सेंटेंस। हाँ, इंपेरेटिव किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? एस, ठीक है, ये ऐसा कर दिया, प्लीज हेल्प मी इन दिस टास्क। नाउ दिस सेंटेंस इज इंपेरेटिव सेंटेंस, एंड हियर यू कैन सी द वर्ब विच इज यूज इज इन फर्स्ट फॉर्म, ओके? जो वर्ब हम लोगों ने इसमें यूज किया हेल्प, वो किसमें यूज की गई है? फर्स्ट फॉर्म में यूज की गई है। तो सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है? सब लोग जो है जिन्होंने भी जवाब दिए बहुत अच्छे से जवाब दिए हैं। चलिए अब फटाफट लाइव जुड़ जाइए, आज की क्लास को हम बहुत ज्यादा ठीक है लंबा नहीं खींचते हैं, फटाफट इसको शुरू करते हैं। जो लोग भी लाइव जुड़े हैं उन सबको गुड मॉर्निंग, सबका वेलकम। जो नहीं जुड़े हैं वो फटाफट जुड़ जाओ, दूसरों को भी बोल दो, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको इन्फॉर्म कर दो, सब जुड़ जाओ फटाफट लाइव, और आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है? तो देखिए मैं आपको फटाफट बता देता हूं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। मैंने आपसे कहा था कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो
क्या उनमें यूज की जाती है, उसमें वी फर्स्ट का यूज किया जाता है, इसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या यूज किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कुछ खास तरीके के मूव्स को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो कुछ खास तरीके के मूव को एक्सप्रेस करते हैं। ये मूव क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, देखो मूव क्या क्या हो सकते हैं, क्या मूव्स हो सकते हैं, इसमें रिक्वेस्ट का मूड हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है इसमें, इसमें किसी को ऑर्डर का मूड हो सकता है, इसमें किसी को परमिशन ग्रांट करने का मूड हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, किसी को सजेशन, है ना, इसको सजेशन बोलते हैं, याद रखना, क्या बोलते हैं, सजेशन नहीं होता, एक सजेशन, ओके, सजेशन का मूड जो है वो उसमें हो सकता है, किसी को प्रपोजल का भी मूड हो सकता है, किसी को कुछ ऑफर करने का मूड जो है वो हो सकता है, किसी को किसी चीज के लिए प्रोहिबिट, आई होप आपको प्रोहिबिट का मीनिंग समझ में आ रहा होगा, मीन्स किसी को किसी चीज के लिए मना कर देना, किसी काम के लिए रोक देना, उसको मतलब डिनाई कर देना, दैट यू मस्ट नॉट डू दिस वर्क, आप इस काम को नहीं कर सकते, तो प्रोहिबिट करना। इस तरीके के कुछ मूव्स जो हैं, इस तरीके के कुछ एक्सप्रेशन जो हैं, वो कौन देते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस देते हैं, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इन मूव्स को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है, अब देखिए मैं फटाफट आपको बताता हूं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस की जो स्टार्टिंग है वो पांच तरह से होती है, कितने तरह से होती है, पांच तरह से, ठीक है, देखो समझना इस बात को बड़े आराम से, कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस की जो स्टार्टिंग होती है वो कितने तरह से होती है, पांच तरह से, ठीक है। अब ये पांच जो तरीके हैं वो कौन से हैं, उनको देखना। पांच तरीकों में पहला है स्टार्टिंग विद वी फर्स्ट, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाना। कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, जैसे बहुत से बच्चों ने जवाब दिया हेल्प मी, ओके, मदद करोगे, कीप क्वाइट, शांत हो जाओ, ठीक है, कुछ भी ऐसा आप बना सकते हो, ठीक है, स्टैंड हियर, यहां खड़े रहो। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये रिक्वेस्ट भी है, देखो कीप क्वाइट किसी को शांत रहने के लिए किया जा रहा है, तो रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है, स्टैंड हियर ऑर्डर है अपने आप में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो रहे हैं सारे के सारे, सारे सेंटेंस, ठीक है, हेल्प मी, कीप क्वाइट, स्टैंड हियर। तो ये पहला तरीका है कि इंपेरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, दूसरे तरीके को देखो बराबर, दूसरा तरीका होता है नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जो, ठीक है, तो डोंट एंड डोंट प्लस क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डोंट और डोंट के साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे भी अपने क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कैसे, जैसे मान लो डोंट प्लस की फर्स्ट है, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, जैसे डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, ठीक है, किसी ने बोला डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, तो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये भी क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो तीसरा है, तीसरे में क्या यूज कर देते हैं, नेवर का यूज कर देते हैं, नेवर प्लस वी फर्स्ट, ये भी क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, नेवर प्लस वी फर्स्ट। इसमें कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका अनुमान आमतौर पर मतलब जो बुरे सेंटेंस हो या कुछ ऐसे एक्शन हो कि गलत एक्शन होते हैं, तो आपको उनके लिए हमेशा के लिए मना कर दिया जाता है, भाई आपको ये वाला काम जो है वो नहीं करना है। तो क्या होता है, जैसे नेवर टेल अ लाइ, ठीक है, झूठ मत बोलो कभी, ठीक है, नेवर अब्यूज, गाली मत निकालो, ठीक है। तो अब इन सेंटेंसेस में भी क्या है, इन सेंटेंसेस में देखो नेवर के बाद में क्या आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म टेल, नेवर के बाद में क्या आ रही है, अब्यूज, फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये भी क्या हो गए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। अरे बात समझ में, सभी को तीन टाइप्स आ गए आप लोगों के सामने। अब देखो चौथा तरीका बता रहा हूं, अब जो चौथा और पांचवा तरीका है वो दोनों लगभग लगभग एक जैसे से, ठीक है, दोनों एक तरीके से है। क्या है चौथा तरीका, चौथा तरीका है आपका किसका यूज कर देते हैं, लेट का, और लेट के साथ में क्या यूज हो जाती है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर जाता है। तो लेट प्लस वी फर्स्ट जो है ये भी क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। और पांचवा तरीका भी इसी का ही है, इसमें क्या यूज कर देते हैं, लेट्स का यूज कर देते हैं, एंड लेट्स प्लस क्या हो जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वी फर्स्ट का यूज करते हैं। तो ये दोनों तरीके भी क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के ही पार्ट्स हैं, या यूं कह सकते हैं ये भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। कैसे हैं, इनके भी तरह देखो, एग्जांपल देख लो, ठीक है, एग्जांपल से बात हो अच्छे तरीके से समझ में आती है। बात तो समझ में आ रही है ना आप लोगों को, अगर जो मैं चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रही है तो आप है ना फटाफट वो जो लाइक वाला बटन ना, ठीक है, वो भी थोड़ा थोड़ा दबा लिया करो, ठीक है, लाइक कर दिया करो, हल्का सा था कि पता रहेगा यार बच्चों को समझ में आ रहा है। और अगर मान लो कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, तो क्या करना है, डिसलाइक नहीं करना भाई, डिसलाइक नहीं करना है, ठीक है, इतनी 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 जल्दी मत करो। तुम तो वो कर रहे हो, हाँ, कि आप वो कॉकपिट में लाल बटन दिखाई दे रहा है, हाँ दबा दिया, वो कहता है नहीं दबाना था, वो काम नहीं करना है, डिसलाइक नहीं करना है, बल्कि कमेंट बॉक्स में पूछना है कि भाई सर ये वाली चीज समझ में नहीं आई है तो आप इसको दोबारा समझाओ या इसको मुझे बताओ क्या होगा इसके अंदर। तो ऐसे करके पूछना है, पूछोगे तो सीखोगे ना। हाँ, इतनी जल्दी जल्दबाजी मत किया करो, तुम्हें सुन लिया करो यार, प्यारे बच्चों सुन लिया करो। हाँ चलो देखो, तो लेट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये भी क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसा है इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे किसी ने कहा कि लेट मी स्पीक फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि पहले किसको बोलने दो, पहले मेरे को बोलने दो, ठीक है। दूसरा मान लीजिए किसी ने कहा लेट हिम कम, ठीक है, उसको आने दो, लेट हिम कम। तो यहां क्या है इन सेंटेंसेस में दिखाई दे रहा हूं आपको, स्पीक जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, कम जो है वो भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ओके। ये एक रिक्वेस्ट के सेंटेंस होते हैं, तो लेट प्लस क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म और इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसी तरीके से लेट्स का अगर यूज करके सेंटेंस में है तो ये क्या होते हैं, ये ऑफर और सजेशन होते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने कहा लेट्स गो आउट, ठीक है, आओ बात करते हैं, लेट्स गो आउट, आई एम गिविंग एन ऑफर टू यू, आई एम गिविंग अ प्रपोजल टू यू, आई एम सजेस्टिंग यू दैट लेट्स कम, आओ बाहर चलते हैं, ठीक है। अब एक बड़े कॉमन, बड़ा ही फेमस सेंटेंस है, बड़ा फेमस डायलॉग है भाई, आपने सबसे सुना होगा, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी इन माय ऑफिस, डायलॉग है बड़ा फेमस, जिनको याद आ गया है, जिनको समझ में आ गया ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है, चलो मेरे को फटाफट कमेंट बॉक्स में फिल्म का नाम लिख के बताओ, ठीक है, अभी लिख के बताओ, ठीक है, मैं चेक करता हूं आप लोगों का, ठीक है, चेक करते हैं कि यहाँ किस किस ने जो जवाब है वो सही दिया है, कौन कौन देखता है, ठीक है, चेक करते हैं फटाफट, मेरे को कमेंट बॉक्स में नाम लिख के बताओ इस फिल्म का, किस फिल्म में ये वाला डायलॉग जो है वो यूज किया है, देन फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को किसने यूज किया, ठीक है। सो लेट्स हैव अ कप ऑफ टी इन माय ऑफिस, ये भी क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, एंड इन दिस सेंटेंस ऑल्सो एन ऑफर इज गिविंग टू समवन, किसी को एक ऑफर दिया जा रहा है कि हाँ आओ चलो कॉफी पीते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई, बच्चों के कमेंट आने शुरू हो गए हैं, कुछ सही भी दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं, मिक्स की बात है, मैं बताऊंगा चलो आप लोगों को, ठीक है, थोड़ी देर आप लोगों के कमेंट आ जाते हैं, चेक कर लेते हैं, और फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये कौन से फिल्म में यूज किया गया था, बड़ा फेमस सेंटेंस है, बड़े फेमस आदमी ने बोला था ये, ठीक है। तो ये जो पांच तरीके हैं, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पांच तरीके हैं, इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो क्या किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। और इन सभी में देखो हमने क्या यूज किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है सभी के अंदर, है ना। तो यहां मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। अब चलिए, अब एक बात आपको और बता देता हूं, इंपेरेटिव सेंटेंस तो आप समझ गए, है ना। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस के साथ साथ एक सेंटेंस और भी होता है, कौन सा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। आपको कहोगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा होता है, घबराने की कोई बात नहीं है, सीधा ये देख लेना, ठीक है, ये वाला निशान है ना, ये वाला निशान ऐसा ऐसा करते हैं, चलो सीधा बना लेते हैं, ज्यादा है ना ड्राइंग ड्रॉइंग मेरी अच्छी नहीं है, ये ऐसा क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, बिल्कुल। तो ये वाला साइन लगा होता है ना किसी सेंटेंस के अंदर, तो बस वो सेंटेंस क्या होता है आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, उसी को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो क्या है देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वैसे तो कई तरीके से लिखे जाते हैं ना, किसी ने कहा कि हुर्रा वी हैव वन द मैच, ठीक है, ब्रावो यू डिड वेरी वेल, ठीक है, तो इस तरीके से कई तरीके से लिखे जाते हैं। लेकिन अपने को जो ध्यान रखना है वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्टिंग विद
हियर एंड देयर, ठीक है। देखो दोबारा रिपीट करता हूं मैं, क्या है हमारा जो कंसेप्ट हम कर रहे हैं वो कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। एंड कौन से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्टिंग विद हियर एंड देयर, इनसे शुरू होने वाले जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, तो उन सेंटेंसेस में हियर एंड देयर के बाद जो वर्ब आती है वो कौन सी होती है? बी फर्स्ट होती है। कौन सी होती है? बी फर्स्ट होती है। एंड रिमेंबर, अगर आपका सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर है, क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आप यहां क्या लगाते हैं? एस और ईएस का यूज भी करते हैं, ठीक है। जो बात ध्यान रखने को क्या है कि सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, ठीक है, हियर, और उसके बाद में आगे जो सब्जेक्ट को चाह रहा है वो सिंगुलर है, तो आप हियर के बाद जो वर्ब लगाते हैं उस वर्ब के साथ एस या ईएस भी लगता है। देखो अब इंपेरेटिव में और इसमें क्या फर्क रहा? इंपेरेटिव उसमें क्या पड़ रहा कि इंपेरेटिव में तो भले ही चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, भले ही चाहे कुछ और आपको नजर आ रहा हो उसमें ना नजर आ रहा हो, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, कोई एस या ईएस उसके साथ नहीं लगता है। लेकिन एक्सक्लेमेटरी में क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या है कि अगर जरूरत पड़ती है तो वहां पर आप एस और ईएस भी लगा सकते हैं। अब जरा एग्जांपल देखो इसका, ठीक है, कि कैसे लगा सकते हैं, कैसा होगा सेंटेंस, चलो तो मैं आप लोगों को सेंटेंस बता देता हूं, ठीक है। जैसे सेंटेंस हुआ, हियर कम्स द ट्रेन, हियर कम्स द ट्रेन, किसी ने कहा देयर शी गोस, हियर कम्स द ट्रेन, हियर शी गोस। अब इन सेंटेंसेस के अंदर ये देखो ये आपको नजर आ जाएगी, हियर कम्स द ट्रेन, देयर शी गोस, ये क्या है वो की फर्स्ट फॉर्म। सो रिमेंबर ये अगला कंसेप्ट है हमारा, आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर सेंटेंस हियर और देयर से शुरू हो रहे हैं तो वहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, और अगर जरूरत होती है तो उस फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ईएस भी लगा सकते हैं, है ना। चलो अब मैं फटाफट जवाब दे देता हूं भाई, ठीक है, देखते हैं। ओके हाँ भाई ठीक है, मुस्कान, मुस्कान बहुत अच्छा है अभी, मुस्कान आप मतलब हर चीज में बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, आई एम रियली मतलब वेरी ग्लैड टू सी दिस दैट स्टूडेंट्स आर वेरी एक्टिव इन दिस क्लास, बहुत अच्छे से। अच्छा एक मेरे क्वेश्चन बस ये इतनी समझ में आता कि हु इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 एंड हु इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, ठीक है, बट जो भी है जो भी बच्चे इसमें जवाब दे रहे हैं, देखो ठीक है, इसमें अभी चहल ने भी जवाब दिया है। ओके चलो मैं आपको बता देता हूं, ये जो डायलॉग था ये था थ्री इडियट्स का, कहां कहां वायरस बोलता है, वीरू सहस्त्रबुद्धि डायलॉग बोलता है, कब बोलता है? राजू को बोलता है, जब राजू उसके गेट पे क्या करके आते हैं, बाथरूम करके आते हैं, क्या क्या डायलॉग बोलता है? लेट्स कम मिस्टर राजू, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी इन माय ऑफिस, है ना, मिस्टर राजू को बोलता है ना कि मेरे ऑफिस में आओ एक कप चाय पीते हैं, और फिर वहां पे वो राजू छत से कूदता है, याद आया? आया क्या यार? हाँ, तो फिल्में बहुत कुछ सिखाती हैं, ठीक है, बस फिल्मों से सीखने का आपके अंदर थोड़ा हुनर होना चाहिए, आप में थोड़ी सी ये कला होनी चाहिए, आर्ट होनी चाहिए, फिल्में आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, ठीक है। अभी तो बंद है, अभी घबराओ मत, अभी बंद है, अभी मत फिल्में देखने बैठ जाना आप लोग, अभी तो क्लासेस चल रही है, तो अभी तो आप क्लास का मजा लो यार आराम से, है ना, अभी कहीं भागना आप लोगों को। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी इस तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखो उसके अंदर। ओके तो अब इसके बाद में जो कंसेप्ट है उसके ऊपर अपने आगे डिस्कस करते हैं, देखो कि कभी भी आपको सेंटेंस के अंदर अगर ये जो मैं कुछ आपको एडवर्ब्स बता रहा हूं अगर ये आप लोगों को नजर आए, क्या हैड बेटर, ठीक है, आपको नजर आए हैड सूनर, ठीक है, आपको नजर आए वुड बेटर, ठीक है, या आपको नजर आए वुड सूनर, ठीक है, ये जो है ये अगर आप लोगों को सेंटेंस में नजर आए तो आपको कुछ नहीं करना, बस दिमाग में याद रखना कि इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ही आनी, ठीक है, दिमाग में याद रखना कि इनके साथ हमेशा ही क्या आनी है, फर्स्ट फॉर्म ही
आनी है, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी सेंटेंस में ब्लैंक से जस्ट पहले ये नजर आते हैं और इनके बाद में आप लोगों को ब्लैंक दिया गया होता है तो आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट फॉर्म जो है बस फिलअप कर देना एंड बिल्कुल आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई सेंटेंस को गलत करने वाला नहीं है, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं अपने फटाफट जल्दी से, ठीक है। क्लास को देखो क्योंकि आगे की क्लास जो है वो भी आपकी क्लास होगी और मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी प्रेजेंट इंडेफिनिट जो क्लियर करें फिर हम लोग आगे वाले टेंस पे चले, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर इसकी कोई दिक्कत हो तो आप कोई बात नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जो है वो अपनी डाउट अपनी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं कि अब फ्यूचर के जो एक्शन है, ठीक है, फ्यूचर के जो एक्शंस हैं उन फ्यूचर के एक्शंस के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। देखो अब एक बात यहां बहुत क्लियर है, एग्जाम में बहुत बड़ी वाली चीज जो वो पूछी जाती है, जनरली हम सब जानते हैं कि फ्यूचर के जो एक्शंस होते हैं या फ्यूचर में कोई घटना अगर होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं विल या शैल प्लस फर्स्ट, है ना। विल या शैल प्लस बी फर्स्ट का यूज जो है वो हम कहां करते हैं, फ्यूचर के एक्शंस के लिए करते हैं। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फ्यूचर के एक्शंस के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। कब होता है, फ्यूचर का ऐसा एक्शन जो ऑलरेडी क्या है, प्लान है, फ्यूचर का ऐसा एक्शन जो ऑलरेडी क्या है, प्लान है, या फ्यूचर का ऐसा एक्शन जो कि पहले से ही जिसका होना निश्चित है, सर्टेन है, बिल्कुल जिसका होना बिल्कुल निश्चित है, फिक्स्ड टाइम टेबल है कोई, क्या चीज है देखो ध्यान से समझना, फिक्स क्या है, टाइम टेबल है, यानी कि ऑलरेडी प्लान एक्शन है, सर्टेन एक्शन है जिसका होना सुनिश्चित है या फिक्स टाइम टेबल है। अगर ऐसा कोई एक्शन है और एक्शन कब का है, फ्यूचर में होना है लेकिन प्लान है, सर्टेन है, फिक्स्ड है, तो उस एक्शन के साथ फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होता, यानी कि विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होता, बल्कि किसका यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। ओके कैसे यूज होता है जरा देखना, ठीक है। जैसे किसी ने कहा स्कूल रीओपन्स इन नेक्स्ट जुलाई, स्कूल रीओपन्स इन नेक्स्ट जुलाई। अब यहां एक बात समझनी है कि स्कूल जो है वो हमेशा ही कब खुलते हैं, जुलाई में ही खुलते हैं, और यहां पर जुलाई में खुलते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लान एक्शन है, फिक्स एक्शन है, पहले से ही सुनिश्चित हो गया है कि हाँ खुलेंगे तो अगली जुलाई के अंदर, लेकिन एक एक्शन क्या है, प्लान एक्शन है। तो यहां पर देखो फ्यूचर टेंस का यूज नहीं हुआ है, बल्कि किसका यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। अभी बात समझ में आप लोगों को, प्लान एक्शन है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए किसी ने कहा द ट्रेन डिपार्ट्स इन नेक्स्ट एंड आ, अगले एक घंटे में ट्रेन जो है वो क्या होगी, रवाना होगी। ट्रेन रवाना कब होगी, अगले एक घंटे में होगी, यानी अभी होगी नहीं है, कब होने वाली है, अगले एक घंटे में होने वाली है, नियर अबाउट फ्यूचर में ये एक्शन होने वाला है। लेकिन ट्रेन जब निकलती है, ट्रेन जब जाती है, फ्लाइट जब जाती है, बस जब जाती है, तो क्या होता है उनका टाइम टेबल होता है, क्या होता है, टाइम टेबल होता है। तो जब टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल से कोई काम हो रहा है तो प्लान हो गया कि नहीं हो गया, एक्शन जो फिक्स हो गया कि नहीं हो गया, इसीलिए देखो क्या वर्ब यूज होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा। क्या यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा, यानी इनको देख के, फ्यूचर के एक्शन को देख के विल या शैल नहीं लगा देना है, समझना है उस सेंटेंस को। अगर सेंटेंस के अंदर प्लान एक्शन है, सर्टेन एक्शन है, फिक्स टाइम टेबल है, तो फिर वो एक्शन फ्यूचर का नहीं होगा बल्कि किसका होगा, प्रेजेंट का होगा। अब मैं दो आप लोगों को इसी के सेंटेंस बता देता हूं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते भी हैं, ठीक है, और स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाता है कई बार इस सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस देखना इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान से देखना। क्या The Prime Minister visits the flooded area next month. ठीक है, The Prime Minister visits the flooded area next month. अब Prime Minister आएंगे कब, कहीं
अगले महीने आएंगे, आप नहीं आने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर कब आएंगे, अगले महीने आएंगे, लेकिन जो वर्क लगी है प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या लगी है, विजिट्स लगी है, आपको भी अगले महीने आने वाले हैं, एक महीने पहले आए, मतलब एक महीने के बाद आएंगे, एक महीने आगे आएंगे, और हम एक महीने पहले ही उनके लिए फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिटी का यूज करते हैं। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर आप और हमारी तरह कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो देश का सर्वे सर्वा है। जब सर्वे सर्वा है तो प्राइम मिनिस्टर के आने का पूरा शेड्यूल सेट होता है कि कितने बजे कहां से फ्लाइट चलेगी, कितने बजे पहुंचेंगे, कहां पर कितने बजे जाएंगे, किसके घर खाना खाएंगे, किसके घर सोएंगे, ठीक है, मिलेंगे किस किस से, मीटिंग कौन कौन से करेंगे, सब चीज क्या होती है प्लान। और जब प्लान एक्शन है तो भले ही चाहे फ्यूचर का हो, लेकिन वर्क जो है वो कौन सी लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। ऐसा ही एक सेंटेंस हो रहा है, एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है, ध्यान से देखना, एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है, ठीक है। क्या आई फ्लाई टू अमेरिका टुमोरो, आई एम फ्लाइंग टू अमेरिका टुमोरो, मैं कल कब जा रहा हूं, देखो भाई अमेरिका जा कब रहा हूं, कल, कल अमेरिका जा रहा हूं, लेकिन जो टेंस यूज हुआ है वो क्या हुआ है, फ्यूचर यूज हुआ, टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट यूज नहीं हुआ है, विल और शैल का यूज नहीं हुआ है, बल्कि किसका यूज हुआ है, कॉन्टिन्यूअस का यूज हुआ है, प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्यों यूज किया गया, क्योंकि वो कल कहां जा रहा है, अमेरिका। अब अमेरिका जो वो क्या दीदा से क्या, ये बताओ मेरे को अमेरिका क्या है, वीजा से भाग रहा है, क्यों ठहर चले गए, अमेरिका जाना है आपको वीजा लेना पड़ेगा, पासपोर्ट आपका रेडी होना चाहिए, फ्लाइट की टिकट्स रेडी होनी चाहिए, वीजा क्लियर होना चाहिए, तब आप जा पाते हो। तो इसका मतलब कि उसके अमेरिका जाने की प्लानिंग पहले से की हुई है, प्लान्ड एक्शन है, फिक्स्ड एक्शन है, और फ्लाइट से जा रहा है, मतलब फ्लाइट से जा रहा है, तो मतलब फ्लाइट भी अपने निश्चित समय पर ही वहां से रवाना होने वाली है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लान्ड एक्शन है, टाइम टेबल से होने वाला एक्शन है, तो इसलिए ये सेंटेंस फ्यूचर का होते हुए भी फ्यूचर की वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि किसका यूज किया जाएगा, प्रेजेंट का यूज किया जाएगा। अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन इसमें तो वर्ब जो है वो हम लोगों ने कॉन्टिन्यूस यूज कर दी, ऐसा क्यों यूज किया गया, ऐसा इसलिए यूज किया गया क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, आई, यानी कि अगर प्लान्ड एक्शन के साथ, सर्टेन टाइम के साथ, फिक्स टाइम टेबल के साथ, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो आई और क्या हो, वी हो, सब्जेक्ट क्या हो, आई और वी हो, तो वहां पर हम कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं, वहां किसका यूज कर देते हैं, कॉन्टिन्यूस का यूज कर देते हैं। अगर यहां पे सब्जेक्ट आई और वी की जगह कुछ और होता, क्या होता, मान लीजिए कि आई नहीं होता, ठीक है, और आपका सब्जेक्ट यहां आई नहीं होता, बल्कि आई की जगह क्या हो जाता, दे हो जाता, आई की जगह सब्जेक्ट क्या हो जाता, दे हो जाता, और अब आपसे पूछते हैं कि अब इसमें वर्ब क्या आएगी, तो क्या हो जाएगा, दे फ्लाई, दे फ्लाई टू अमेरिका टुमोरो, कल वो अमेरिका जाएंगे, हिंदी में मीनिंग इनका फ्यूचर में होता है, कल वो अमेरिका जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर अगले महीने जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे, लेकिन जो वर्ब यूज होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की यूज होती है, वर्ब यूज होती है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की यूज होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और अगर आप ऐसे भी समझ गए हैं तो आप बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं, देखिए, ठीक है, हाँ, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। चलिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। अब देखिए, इसके आगे आप लोगों को बात बता देता हूं कि हम लोगों ने बात करी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज किया जाता है। कौन सी चीजें थी, जैसे फैक्ट थे, यूनिवर्सल फैक्ट थे, ठीक है, आपके हैबिचुअल फैक्ट थे, जनरल फैक्ट थे, इसी चीज में एक चीज याद रखना, प्रोवर्ब्स, यानी कहावतें, प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स के साथ में भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज किया जाता है। अब उस दिन जो पिछली क्लास में कुछ बच्चे थे, जवाब दे रहे थे, ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, यस यू आर राइट, ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज हुआ है, ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, बट दिस सेंटेंस इज अ प्रोवर्ब, इट्स नॉट अ फैक्ट, इट्स अ प्रोवर्ब, ठीक है। किसी ने कहा कि a bad workman always quarrels with his tools,
नाच न जाने आंगन टेढ़ा, क्या मतलब इस कहावत का, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो यहां पर भी देखो क्या यूज हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जा रहा है। अच्छा एक चीज आप लोगों को बता दूं, रोजमर्रा की जिंदगी में योर डेली रूटीन के अंदर काम आने वाली 50 ऐसी इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स को आज की वीडियो में, आज की इस क्लास में हमने पीडीएफ शेयर की है। आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर 50 प्रोवर्ब्स की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐसी प्रोवर्ब्स हैं जो आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकते हैं, जैसे मुंह के मुंह में जीरा, ऐरा गहरा नतु फेरा, ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से जो कुछ ऐसी 50 प्रोवर्ब्स हैं, उन 50 प्रोवर्ब्स की पीडीएफ जो है वो हमने आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ शेयर की है, आप वहां से इसकी पीडीएफ यूज कर सकते हैं और डाउनलोड करके उस पीडीएफ को या उस उन प्रोवर्ब्स को सीखकर आप अपनी स्पोकन को और भी अच्छा बना सकते हैं, आप अपने सेंटेंस को और भी खूबसूरत तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आगे बात समझ रहे हैं, प्रोवर्ब्स के साथ में भी हमेशा क्या यूज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज किया जाता है ना। चलिए अब देखिए इसके आगे की बात करते हैं जल्दी से, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जो ड्रामास होते हैं, ठीक है, जो ड्रामास होते हैं, प्लेस होते हैं, उन ड्रामास के अंदर भी जो सेंटेंसेस या जो डायलॉग्स लिखे जाते हैं वो डायलॉग्स किसमें होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ड्रामास के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे एंटनी कम्स विद द डेड बॉडी ऑफ सीजर, एंटनी कम्स विद द डेड बॉडी ऑफ सीजर, ठीक है, एंटनी सीजर की, ठीक है, जो राजा था रोम का, सीजर की डेड बॉडी लेकर आया, और एंटनी कम्स विद द डेड बॉडी ऑफ सीजर। तो इस तरीके से ड्रामास के जो डायलॉग्स होते हैं, ड्रामास के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ड्रामास का जो पैराफ्रेज होता है, उनमें भी प्रेजेंट इंडेफिनेट जो टेंस है आपका, उसका यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसके बाद आपको एक चीज बताता हूं कि ऐसी कोई सिचुएशन, ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन जो कि प्रेजेंट सिचुएशन, मान लीजिए ऐसी कोई प्रेजेंट सिचुएशन दैट इज परमानेंट, ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन जो कि क्या हो, परमानेंट हो, ठीक है। तो ऐसी परमानेंट जो सिचुएशन होती है, उस परमानेंट सिचुएशन के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज किया जाता है। प्रेजेंट सिचुएशन दैट इज परमानेंट, यानी कि जो मतलब स्थिर हो गई है, निश्चित हो गई है, ठीक है, उस निश्चित के लिए भी क्या किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, जरा देखना, दिस रोड लीड्स टू आगरा, दिस रोड लीड्स टू आगरा। अब सड़क कहां जा रही है, आगरा जा रही है, ये सड़क कहां जाती है, आगरा जाती है, ये क्या है, नहीं परमानेंट चीज है। प्रेजेंट कैसे है, क्योंकि दिस है ना, ये सड़क आगरा जाती है, अब ये परमानेंट चीज है, ये थोड़ी है कि भाई यहां 5-7 दिन के लिए तो ये आगरा जाएगी, बाद में आगरा नहीं जाएगी, बाद में ये दिल्ली उड़ जाएगी, बाद में आगरा जाना बंद कर देगी, ये सड़क ऐसा तो नहीं है ना। तो इट्स अ परमानेंट सिचुएशन, तो ऐसी सिचुएशन इसके साथ क्या यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि अलका थिएटर फेसेस वेस्ट, ठीक है, क्या कहा किसी ने, डायरेक्शन है, इसके साथ आर्टिकल भी लगाना जरूरी है, अपने को आर्टिकल भी लगाना चाहिए इसके साथ, अलका थिएटर फेसेस दी वेस्ट, ठीक है, कि अलका थिएटर कहीं पर भी मान लीजिए है, और ये अलका थिएटर का फेस जो है वो किस तरफ है, पश्चिम की तरफ है। अब ये बताओ कि ऐसा थोड़ी है कि अलका थिएटर का फेस जब आज तो पश्चिम की तरफ है, कल जो है वो पता नहीं दक्षिण होगा कि उत्तर होगा, बदल जाएगा, हो सकता है फेस उसका, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसी कोई चीज जो परमानेंट है, ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन जो कि परमानेंट है, तो ऐसे के अंदर उसके साथ में भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म जो है आपकी, उस फर्स्ट फॉर्म का यूज जो है वो उसके साथ में किया जाता है, ठीक है। तो यहां तक की बात मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। तो
आज की क्लास में हम इसको ज्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है। आज की क्लास में ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचते हैं, इतना ही करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, तो धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए लास्ट क्लास होगी, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल क्लॉजेस के बारे में, ठीक है। जो कंडीशनल क्लॉजेस हैं उन कंडीशनल क्लॉजेस के बारे में और जो टाइम क्लॉजेस होते हैं उन टाइम क्लॉजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनके अंदर किस तरीके से जो प्रेजेंट टेंस है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। करवाने को याद करवा देते हैं अपने, लेकिन आज की फिर क्लास जो थोड़ी लंबी हो जाती बेटा, और फिर आपकी आगे की क्लास भी आगे की क्लास के साथ जो है वो क्लास फ्लैश हो जाएंगी, तो ऐसा ना करते हुए ये एक ही चीज रही है, इस चीज को अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए आप लोगों के लिए आज एक एक्सरसाइज जो है वो, ठीक है, लिंक की हुई है, आप एक्सरसाइज वहां से डाउनलोड कीजिए, एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम उस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए उस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ में आगे की क्लास को जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट क्लास जो है बहुत ही जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए आप सभी लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार कुछ नया सीखते रहिए, ठीक है। थैंक यू।